सत श्री अकाल जी। टैट स्टडी प्रैपरेशन दे विच आप सब का स्वागत है। अज आप पढ़न वाले हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बारे। चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म कदों होया? 15 अप्रैल 1469 जन्म होया। पर भाई बाला जी की जन्म साखी के अनुसार कत्तक की पूर्णमासी को श्री गुरु नानक देव जी का जन्म होया। कित्थे होया? राय भोए की तलवंडी जो कि ननकाणा साहिब दे विच है। पिता का नाम की सी? मेहता कालू। माता का नाम तृप्ता देवी। भैन सी बीबी नानकी। इन्हां दी पत्नी का नाम सी सुलखनी जी। दो पुत्र होए श्री चंद अते लखमी चंद। श्री गुरु नानक देव जी की बाणी की गल करिए जपजी साहब, आसा दी वार, सिद्ध गोष्ट, आरती ओंकार, पट्टी वारामा, सोधर मलार अते माझ दी वार, कीर्तन सोहेला श्री गुरु नानक देव जी की बाणी है जिसनों तुसी याद कर लेने क्योंकि पेपर दे विच ए पुछया जांदा है जी। केड़ा शहर वसाया? करतारपुर शहर वसाया। कित्थे वसाया? रावी नदी दे कंडे ते। तां रावी नदी दे कंडे ते करतारपुर शहर वसाया। लंगर प्रथा दा आरंभ किया। संगत अते पंगत की स्थापना की। उत्तराधिकारी चुनिया श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने। श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का पहला नाम भाई लहना जी सी। श्री गुरु नानक देव जी ने इन्हां नूं अपना उत्तराधिकारी बनाया अते इन्हां दा नाम गुरु अंगद देव जी रख दिता। तां हुण आपां डिटेल दे विच पढ़ते हाँ। गुरु नानक देव जी महाराज के जो पिता सन मेहता कालू, यह तलवंडी पट्टी जागीरदार राय बुलार कोल पटवारी सन। खत्री वंश दे बेदी परिवार नाल संबंध रखते सन। 7 सालां की उम्र के गुरु जी ने पंडित गोपाल की धर्मशाला भेजा गया। संस्कृत पढ़ने लई ब्रिज लाल कोल भेजा गया अते फारसी पढ़ने लई मौलवी कुतुबद्दीन कोल भेजा गया। जनेऊ की रस्म पंडित हरदयाल ने की सी। गुरु जी ने कहा सूत के धाग्यां की थां सतगुणा के नाल जनेऊ की मंग की। 14 साल की उम्र के इन्हों का विवाह कर दिता गया बीबी सुलखनी जी नाल जो कि बटाला निवासी मूल चंद की पुत्री सन। दो पुत्र होए श्री चंद अते लखमी चंद। 20 रुपए दे के सच्चा सौदा किया। गुरु जी के पिता ने इन्हों 20 रुपए दे के व्यापार करने भेजा सी पर रास्ते विच मिले भुखे साधुओं लंगर खवाए जिसनों सच्चा सौदा के नाम नाल जाणिया जांदा है। 1486-87 दे विच पिता जी ने सुल्तानपुर लोधी भेज दिता पणवईये जयराम कोल। बीबी नानकी जी के पिता सन मेहता कालू अते गुरु नानक देव जी के पिता भी मेहता कालू सन। बीबी नानकी दे जो पति सन उन्हां दा नाम सी जयराम। गुरु जी नूं जयराम जो कि पनवईये सन उन इन्हां दे तां उन्हां कोल भेज दिता गया। दौलत खां लोधी दे मोदी खाने विच सरकारी नौकरी मिल गई ते उत्थे नौकरी कीती। 1499 विच उत्थे नौकरी करदे हुए सुल्तानपुर लोधी दे विच बेई नदी विच इसनान कीता अते 3 दिन अलोप रहे। उत्थे ही इन्हां नूं ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 साल की उम्र सी जदों इन्हां नूं ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति तो बाद यात्रावां कीतियां जिन्हां नूं उदासियां दे नाम नाल जाणिया जांदा है। उदासियां किस लई कीता? लोकां दी अग्ञानता नूं दूर करन लई। उदासियां विच भाई मरदाना जी नाल सन, ठीक है, मरदाना जी नाल शुरू कीतियां। भाई मरदाना जी गुरु नानक देव जी दे बचपन दे साथी सन। भाई मरदाना जी रबाब वजाउंदे सन अते गुरु नानक देव जी गाउंदे सन, ठीक है। पहली उदासी तां 30 साल की उम्र में पहली उदासी की श्री गुरु नानक देव जी ने 1499 दे विच पहली उदासी शुरू की। पूर्व तो दक्षणी इलाके तक गए तो पूर्व तो शुरू की सी पहली उदासी, ये तुसी याद रखना है। सब तो पहला सुल्तानपुर तो चल के सैयदपुर, अहमदाबाद, उत्थों लालो तरखान नूं मिले, मलिक भागो का भोजन स्वीकार किया। फिर तुलंबा विखे सज्जन ठग नूं मिले। उस तो बाद कुरुक्षेत्र, सूरज ग्रहण, पानीपत, दिल्ली, हरिद्वार पित्रां नूं पानी दिंदे हुए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशी मठ आदि। फिर गोरखमता पुजे, उत्थे गोरखनाथ के अनुयायियों नूं मिले। बनारस विखे पंडित चतुरदास नूं मिले। फिर गया, बिहार, बंगाल, असाम, कामरूप विखे नूर शाह जादूरानी नूं मिले। डाका, जगननाथपुरी, अडीसापुरी तो दक्षण वल नूं चल पए। कांचीपुरम, रामेश्वरम, त्रिवेद्रम, लंका पहुँचे। लंका विच उस समय राजा सी राजा शिवनाथ। ते इस तो इलावा वापसी वेले उज्जैन, मथुरा, रिवाड़ी, हिसार, पाकपट्टनम होंदे हुए पाकपट्टनम विखे यह शेख फरीद जी के 10वें उत्तराधिकारी
ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਸੇਖ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸੇਖ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਾਕਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1513 ਤੋਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਗਏ, ਸਾਤ ਹਸੂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੀਹਾ ਛਿੰਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਮੰਡੀ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਕਾਗੜਾ ਕੁੱਲੂ ਤਿੱਬਤ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਚੀਰ ਲਦਾਖ ਕਾਰਗਿਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ 1517 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਾਕਪਟਨਮ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਮੱਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ ਗਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਉਦੀਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੀਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਬਗਦਾਦ ਇਰਾਨ ਕੰਧਾਰ ਕਾਬਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੈਯਦਪੁਰ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1521 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 21 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1522 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ 18 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 1539 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਡੈਟਸ ਆਲ ਗਾਈਸ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਧੰਨਵਾਦ।